उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में तालाब पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। आरोप है कि पुलिस दूसरे पक्ष से पैसा लेकर तालाब पर कब्जा करवा रही थी, जिसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया। दोनों तरफ मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि मौके पर पहुंचे चार सिपाहियों ने तालाब पर कब्जे का विरोध कर रहे महिला समेत तीन लोगों के साथ मारपीट की, जिसमें महिला समेत तीन लोग घायल हो गए। जब ग्रामीण आक्रोशित हुए तो पुलिस भाग खड़ी हुई। बाद में पहुंचे पुलिस बल ने स्थिति पर काबू पाया। मामला कूरेभार थाना क्षेत्र के सरया वीरान गांव का है, जहां आज दोपहर में यह घटना घटित हुई। घायल महिला समेत तीन लोगों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सीओ बल्दी राय विजय मल का कहना है कि मामला संज्ञान में है, दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। साहब मारी है पुलिस वाले, चार जने रही है। हाँ। चार जने रही है। भूख मारे है? हाँ भूख मारे है। लेडीज पुलिस रहेगी? नहीं, वही सब जने भाई छोड़ाओ कर तुम्हारी है। नाम का नाम है तुम्हारा? सुनील कुमार। तुम्हारा क्या नाम है? अनिल। मिट्टी गिर रही थी वहाँ पे गड्ढे में, तो वहाँ से जो है पूरा मामला सुलटा के इस तरफ आए घर की तरफ, और कुछ जो है पुलिस लोग चले आए, तो हम लोग हमारे आए जो है भट्टे पर से गाड़ी चलाते थे, वहाँ से आए घर पे खाना खाने के लिए, तो धूप से आए तो हम बैठ गए अपने जो है बढ़े में, तो वहाँ से पुलिस लोग देखे, फिर उसके बाद हम लोगों को आके जो है धमकाए, फिर मारने भी लगे और हमको और हमारे भाई को, एक हमारे माता जी है वो। NTTV भारत के लिए सुल्तानपुर से राजेश मिश्र की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।